हे गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर विद एबी में। यहाँ मैं आप लोग के सामने काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ। एसबीआई पीओ मेंस का आप लोग का जो कट ऑफ था उसके बारे में मैं उसके बाद से कोई वीडियो बनाया नहीं हूँ। तो अभी जो है मैं बहुत मतलब बिजी शेड्यूल चलता है, क्योंकि जॉब के साथ साथ जो है वीडियो बनाने थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा कम पड़ जाता है, तो इसके कारण जो है वीडियोज़ अभी बीच में आ नहीं रहे। तो आज जो आप लोग का आरआरबी पीओ का प्री मैंने दिया है, तो उसके हिसाब से मैं आप लोग को बता दूँ कि उसका क्या कट ऑफ हो सकता है, क्या उसका रेंज हो सकता है, ठीक है, कितना आप लोग का जा सकता है, पेपर कैसे आ रहा है। जैसे कि आप लोग का आरआरबी पीओ का प्री 3 दिन में होने का था आप लोग का, 3 अगस्त, 4 अगस्त और 11 अगस्त, 3 दिन में होना था आप लोग का, 3 अगस्त और 4 अगस्त का हो चुका है। और मैंने खुद पेपर दिया है, तो मैं आपको ये बता दूँ पेपर कैसा आ रहा है, कितना कट ऑफ जा सकता है, क्या आप लोग का सेफ अटैम्प्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप लोग को कुछ देर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, आरआरबी पीओ की एक खासियत ये है कि इंग्लिश उसमें नहीं है, 0 मार्क्स फॉर इंग्लिश प्री में। मेंस में आप लोग इंग्लिश या फिर हिंदी में से आप एक को चूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर्स कम्फर्टनेस, ओके। इंग्लिश आपका अच्छा है तो इंग्लिश यूज़ कर सकते हो, हिंदी आपका अच्छा है तो हिंदी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई आप लोग का बाउंडेशन नहीं है। प्री की बात किया जाए तो सिर्फ मैथ और रीजनिंग है। सबसे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, मैथ और रीजनिंग हर किसी को आता है, मैथ और रीजनिंग हर किसी को आता है, वीक कोई नहीं है, वीक कोई नहीं है। अब यहाँ पे आप लोग का मैथ रीजनिंग के कारण जो है ही कट ऑफ आप लोग के ऊपर होती है, नहीं तो आप लोग का टोटल कट ऑफ तो आप लोग का बहुत ही कम जाना था आज के पेपर के हिसाब से। तो आज के पेपर की मैं अगर बात करूँ, मैं अभी निकल के मतलब दे के आ रहा हूँ आप लोग को, 2:45 का रिपोर्टिंग जो रहता है आप लोग का, 3:45 से आप लोग का जो स्टार्ट होता है 4:45 तक, इसको अभी अभी मैंने दिया है। तो इसके बारे में मैं बताऊँ आप लोग को, इसमें मैथ जो है ये बहुत ही ईजी आई हुई है, ठीक है, मैथ आप लोग को इजी आई हुई। रॉन्ग टर्म्स में आप लोग के 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इजी हैं और 2 क्वेश्चन स्किप करने लायक है, ठीक है, क्या करने लायक है, स्किप करने लायक है। और डीआई की बात किया जो काफ़ी इजी आई हुई, डीआई 3 डीआई आई हुई आप लोग की, एक केसलेट और 2 नॉर्मल डीआई, ठीक है। नॉर्मल डीआई जो है आप लोग का ईजी आया हुआ है, लेकिन जो केसलेट है उसको मैंने छुआ ही नहीं, तो मैं बता नहीं सकता आप लोग को ईजी है या मुश्किल है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ों को आप लोग को मुश्किल अगर लगता है देख के तो उसको स्किप कर देना चाहिए, जैसे मैंने कर दिया, ठीक है। मेरे अटैम्प्ट्स की बात किया जाए, मैं आप लोग को आखिरी में बताऊंगा कि मेरे अटैम्प्ट्स कितने रहे, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा पेपर आ रहा है। फिर आता है आप लोग का मैथ में आप लोग के मिसलिनियस क्वेश्चंस, मिसलिनियस थोड़ा टाइम टेकिंग रहता है, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग कूल करके करेंगे तो टाइम टेकिंग रहेगा, लेकिन आपके सॉल्व ज़रूर हो जाएंगे जल्दी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग का दिमाग कूल नहीं हुआ तो आप लोग का टाइम भी बर्बाद होगा, आंसर भी नहीं आएगा। 40 सेकंड बर्बाद करके आंसर नहीं लाने से अच्छा है कि 1 मिनट बर्बाद करो और आंसर ला दो, ठीक है। उस 20 सेकंड को बचाने के लिए आपके आंसर ही नहीं आते तो 40 सेकंड क्यों बर्बाद कर रहे हो, बर्बाद करने से अच्छा है तो 20 सेकंड और एक्स्ट्रा यूज़ कर लो, ठीक है। 11 अगस्त वालों की बात कर रहा हूँ और आरआरबी क्लर्क वालों की बात कर रहा हूँ, जो अभी आने वाला है आरआरबी क्लर्क का पेपर आने वाला है उनके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रीजनिंग की, रीजनिंग की बात किया जाए तो पज़ल्स आ रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग में क्या आ रहे हैं, पज़ल्स आ रहे हैं, जो कि काफ़ी ईजी देखने को मिला है पज़ल्स, ठीक है। मैंने एक पज़ल छोड़ा है आप लोग का, मैंने एक पज़ल छोड़ा है आप लोग का, फ्लोर बेस्ड जो है बहुत इजी आ रहा है। फ्लोर बेस्ड में आप लोग का क्वेश्चन पूछा गया है, एक मेरे को पज़ल याद आ रहा है, एक पज़ल आप लोग को पूछा गया है कि टोटल चार फ्लोर है, हर फ्लोर में दो दो फ्लैट्स रखें, ठीक है। दो दो फ्लैट को आप लोग का हर फ्लोर में रखा गया है, एक फ्लैट के बगल में आप लोग का दूसरा फ्लैट है, मतलब टोटल कितने हो गए, 8 फ्लैट हो गए। 8 फ्लैट को आप लोग को सेट करना है और को आंसर करना है। एक तो पज़ल ये हो गया, काफ़ी ईजी आई हुई थी। दूसरा पज़ल आप लोग का नॉर्थ साउथ में देख रहे हैं, वो भी आप लोग का बहुत इजी आया हुआ है, ठीक है। 8 लोग नॉर्थ साउथ में देख रहे हैं, उसमें कोई आप लोग का वेरिएशन देखने को नहीं मिला, कोई ब्लड रिलेशन देखने को नहीं मिला, कोई ज़्यादा आप लोग को ऐसा नहीं कि ABCD है और उसके बाद नाम आप लोग को दे दिया, उसमें कलर दे दिया, कुछ ऐसा कुछ नहीं किया गया, बहुत ईजी आया हुआ है। और आप लोग को मंडे टू आप लोग का संडे आप लोग का एक क्वेश्चन आया हुआ है, मंडे टू संडे आप लोग को क्या है उसको अरेंज करना है 7 डेज में, ठीक है। तो आप लोग का पज़ल हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। और फिर सिलॉक्स तो आप लोग का काफ़ी इजी आया वो, ठीक है। इनएक्वलिटी देखने को नहीं मिला, लेकिन आप लोग को वो देखने मिला, कोडिंग डिकोडिंग देखने मिला है, और अल्फाबेट्स का आप लोग के कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है, थीके? और नंबर्स के क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिले। रीजनिंग भी मैं बताऊँ तो अच्छी आई हुई है, क्वेश्चन अच्छे आए हुए हैं, ईजी आए हुए हैं, लेकिन आप लोग को बिना पैनिक हुए एकदम अच्छे से करेंगे तो आपका बहुत अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा। काफ़ी लोगों को ईजी लगा होगा, काफ़ी लोगों को टफ लगा होगा, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू सेम नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसका कट ऑफ के बारे में। टोटल आप लोग के 40 क्वेश्चन, 40 नंबर रीजनिंग, 40 क्वेश्चन 40 नंबर आपके मैथ्स क्वांट्स, ठीक है। टोटल आप लोग के 80 क्वेश्चन 80 नंबर्स के थे, 45 मिनट्स आप लोग को मिला था टोटल, चाहे आप मैथ करो या रीजनिंग करो, कुछ भी कीजिए, कहीं भी कीजिए, आप लोगों को इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं था, टोटल 45 मिनट्स दिया गया था आप लोगों को। तो ये 45 मिनट्स की बात किया जाए तो 1 मिनट में एक क्वेश्चन बनाने लायक था पेपर,
एक मिनट में एक क्वेश्चन बनाने लायक था पेपर, तो मैं 45 आप लोग का मिनिमम लूँगा। यहाँ पे आप लोग को 45 बनाना ही पड़ेगा भाई। जनरल वालों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं अगर जनरल वालों की बात करूँगा तो OBC ST SC वहाँ पे आप लोग का क्लियर होते जाता है। यहाँ पे जनरल वालों की बात किया जाए 45 बनाना पड़ेगा भाई, चाहे आप कोई भी स्टेट से हो, चाहे आप कोई भी स्टेट से हो, आप लोग का कितनी भी वैकेंसी हो, आप लोग का कितना भी कॉम्पिटिशन हो, 45 तो आप लोग को लाना पड़ेगा। अब मैक्सिमम कट ऑफ कितना जा सकता है, मैक्सिमम कट ऑफ आप लोग का जाएगा 55। कितना मैक्सिमम आप लोग का कट ऑफ जा सकता है 55। ये 10 नंबर में आपका वेरी करेगा, पूरा का पूरा 80 में, आउट ऑफ 80 45 से 55 के बीच में वेरी करेगा। ठीक है, मैंने अटेम्प्ट किया है 58 जो आप लोग का एक्यूरेसी के साथ है, तो लेट्स सी क्या होता है आप लोग का। नॉर्मलाइजेशन तो होना नहीं है इसमें ज़्यादा, लेकिन आप लोग को बोनस ज़रूर मिलेगा अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन सही किया करो, ना कि आप लोग को स्पीड में आप लोग को गलत करना है, गलत करेंगे बोनस भी नहीं मिलेगा, ऊपर से आप लोग के मार्क्स भी कट जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कट ऑफ किसके ज़्यादा जा सकते हैं, कौन से स्टेट्स के। ठीक है, 4-5 स्टेट के आप लोग के ज़्यादा जा सकते हैं, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, और यूपी का आप लोग का नॉमिनल रहेगा 50 के आसपास रहेगा आप लोग का, छत्तीसगढ़ का थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है, मध्य प्रदेश का भी नॉमिनल रहेगा 50 के आसपास। मेन आप लोग को देख लेना है, हिमाचल प्रदेश भी आप लोग का ज़्यादा रहने वाला है, हरियाणा का आप लोग का हाईएस्ट रहने वाला है। ठीक है, ये सारे कुछ कुछ है जो कि आप लोग के 55 के आसपास छुएंगे, नहीं तो आपके मैक्सिमम 50 के आसपास ही रहेंगे। तो आप लोग को मैं इतना रेंज दे रहा हूँ कि 45 से 55 के बीच में आप लोग के कट ऑफ बैठने वाला है। अब आप लोग का सेफ अटेम्प्ट क्या है, सेफ अटेम्प्ट कुछ नहीं होता है, सेफ अटेम्प्ट तो वही होता है कि आप कितना किए हो और उसके एक्यूरेसी से किए हो कि नहीं। अगर आप मैं बोलूँगा आप लोग को सेफ अटेम्प्ट 60 होगा और वो बंदा अगर 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन गलत कर दिया है, तब तो गया ना, ख़त्म है कहानी। उससे अच्छा 50 करो और 50 सही करो। तो सेफ अटेम्प्ट कुछ नहीं होता है, एक्यूरेट अटेम्प्ट्स होते हैं, एक्यूरेट अटेम्प्ट्स आपके 50 होने चाहिए। ठीक है, मैं अगर मैं बोलूँ, अगर मेरे को आप लोग पूछो कि सेफ अटेम्प्ट कितना है, तो मैं सेफ अटेम्प्ट नहीं बता सकता, मैं एक्यूरेट अटेम्प्ट बताऊँगा आप लोग को। एक्यूरेट अटेम्प्ट्स होते हैं आप लोग के 50 आप लोग को क्या है, लाना ही पड़ेगा भाई, 50 आप लोग ला लीजिए, 45 के ऊपर हो जाएगा आराम से, आप लोग का RRB PO प्री निकल जाएगा। ठीक है, और RRB PO मेंस की तैयारी कर सकते हैं। एंड हिंदी इंग्लिश वालों को बता दूं, अगर आप लोग अभी नहीं डिसाइड करोगे तो बाद में आप लोग बहुत पछताओगे, एग्ज़ाम तक भी लोग पछता कन्फ्यूज रहते हैं कि मैं हिंदी करूँ या इंग्लिश करूँ। जो करना है भाई उसी हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस कर लो, लास्ट तक आप लोग वेट मत करो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को जितना हो सके शेयर एंड लाइक कीजिए, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।